वेलकम टू एन केमिस्ट्री। इससे पहले वाले वीडियो में अपन लोगों ने जो नॉर्मल होमोनिलाडाइन था और आपका हेट्रोबाले केसेस थे उसे देखा था। मैंने कहा था कुछ उसके जो एग्जाम्पल रह गए हैं अल्फाबीटा अनसैचुरेटेड वाले के, उसे अपन लोगों को इसमें डिस्कस करना था। एग्जाम्पल उसके भी अभी कुछ और हैं जो हम आपको देंगे। आई होप हमने कहा था आपसे कि इसे करिएगा, क्योंकि इनकी वैल्यूज हम आपको बता दिए थे, सिर्फ आपको इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करना था, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, जिसने कर लिया है वो मैच कर लेना, अदरवाइज देख लीजिए। तो देखो ये आपको किस टाइप से दिख रहा है। अगर आप इसे यहां पर देंगे अल्फा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल है कि नहीं है, तो अब जब आपके पास अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड है तो आपको इसकी पेरेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी। लेकिन पेरेंट वैल्यू भी आपके उसमें दो थे, एक 5 मेंबर्ड और एक 6 मेंबर्ड के लिए। तो ये कितना मेंबर्ड है आपका? 6 मेंबर्ड है। 6 मेंबर्ड के लिए जो हमने आपको वैल्यू बताई थी अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड की, वो क्या बताई थी भैया आपको? 215, 215 बताई थी, यस और नो? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड के लिए बताई थी। अब इसके बाद हमने आपको बताया था कि इसमें आपका एक्सो है ना, एक्सो। अब आप इस वाले रिंग से देखोगे तो यहां पे तो कोई डबल बॉन्ड है नहीं इस रिंग में। हमने कहा था एक्सो कैसे देखते हैं, जिस वाले रिंग का देखना उसे बंद करिए। इसे बंद करेंगे तो क्या कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। इसे बंद करेंगे तो क्या दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, इस वाले रिंग में एक प्रेजेंट है। तो 1 क्या है आपके पास? एक्सो डबल बॉन्ड। तो इसका वैल्यू क्या होगा आपका? 5 होगा भाई। क्या होगा आपका? 5 होगा। अब इसके बाद अब आपको क्या देखना होता है? अल्फा बीटा। अब बीटा पे आप क्या देखोगे कि आपके पास जैसे उसमें देखते थे अपन लोग एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, ऐसे इसमें अल्फा अल्फा का अलग सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, बीटा का अलग। उन सबके लिए वैल्यू भी अलग अलग होती है ना। तो आप बीटा के लिए देखोगे तो बीटा पे सब्स्टिट्यूएंट है क्या कोई? हाँ, ये एल्काइल चेन है, एक ये एल्काइल चेन है, और एक बीटा के लिए हमने आपको बताया था 12 बीटा सब्स्टिट्यूएंट। क्या बताया था? एक के लिए 12, आपके पास कितना है? 2। तो 12 × 2 क्या हो जाएगा? 24। अब इन सबको आप ऐड कर दो तो 2 सॉरी 4 5 9 और ये 14। वन कैरी तो ये हो गया आपके पास 3 3 3 और ये 4 और ये 2, तो 2 2 24 और ये क्या आएगा? नैनोमीटर। यूनिट क्या थी? नैनोमीटर। तो आपका ये क्या आ जाएगा? लैम्डा मैक्सी वैल्यू आ जाएगी आपके, है ना। तो जिस आपको एग्जाम में दिया जाएगा उसमें तो 4 ऑप्शन भी होंगे, तो आप जैसे निकालोगे तो उसमें आपका आंसर क्या होगा? 244 नैनोमीटर होगा। इतनी बात क्लियर है। अब इसे देख लेते हैं। इसमें भी अब आपको देखना है भाई, इसमें भी आपके पास क्या है? 6 मेंबर्ड कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो अब आप इसे देंगे अल्फा बीटा, यहाँ गामा और यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा। यही आएगा ना, क्योंकि आपको कार्बोनाइल के इसी वाले कार्बन से दोगे ना, तो अल्फा, ये बीटा, ये गामा और डेल्टा। अब इससे ही पहले आपको वैल्यू किसकी देखनी है? पेरेंट वैल्यू की। तो पेरेंट चेन क्या है आपकी? ये है, और ये क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। और 6 मेंबर है तो 6 मेंबर के लिए वैल्यू क्या थी आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड की? 215। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं तो 215 नैनोमीटर, ठीक है ना। ये थी सबकी यूनिट नैनोमीटर है आपकी, है ना। अब इसके बाद आपको क्या देखने थे? अल्फा बीटा सब्स्टिट्यूएंट देखने थे, है ना। तो देखिए वन बाई वन, अब आप देखोगे अल्फा पे क्या कोई सब्स्टिट्यूशन है? नहीं है। बीटा पे है क्या? हाँ है, 1 है। देखो यहाँ पे 1 है ना। अब आप इसे ये भी मत कंसिडर कर लेना क्योंकि यहाँ पे गामा है ना, तो आप इसे कंसिडर नहीं करोगे। गामा पे है क्या कोई? नहीं। फिर डेल्टा पे आओगे तो क्या है? हाँ है, एक क्या है? डेल्टा पे है। तो आपके पास क्या देखना है पहले? बीटा सब्स्टिट्यूएंट। बीटा सब्स्टिट्यूएंट है, उसका वैल्यू क्या होता था बीटा के लिए भैया आपका? 12। बीटा के लिए क्या होता था? 12। और आपका गामा और डेल्टा के लिए अलग अलग थे, सॉरी गामा और डेल्टा के लिए सेम थी। तो गामा पे है क्या कोई? नहीं है। डेल्टा पे है क्या? हाँ है, एक डेल्टा सब्स्टिट्यूएंट, उसके लिए वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको? 80 नैनोमीटर, है ना। इन सब में नैनोमीटर लगाते जाएगा, तो इसके लिए बताई थी आपको 80 नैनोमीटर। अभी आपके पास ये आ गया। तो अब आप क्या देखते हो? एक्सो। एक्सो कैसे देखते थे? इस वाली रिंग को बंद करेंगे तो क्या इसमें कोई प्रेजेंट है? नहीं है, है ना, क्योंकि जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे नहीं ना, उसके एक कार्बन के बाद है एक डबल बॉन्ड, है ना, इसलिए नहीं है। अब इस रिंग को बंद करेंगे तो क्या जस्ट है क्या डबल बॉन्ड? हाँ है। तो क्या है आपके पास? एक एक्सो डबल बॉन्ड। एक्सो डबल बॉन्ड के लिए वैल्यू क्या होती थी? 5। उसमें भी 5 थी, इसमें भी 5 होती है। अब इन सबको ऐड कर दो आप। अच्छा, एक इसमें भी एक चीज रहेगी ना, कंजुगेशन, क्योंकि इसमें एक बॉन्ड और प्रेजेंट है ना, ये वाला डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे आपको कंजुगेशन भी लेना पड़ेगा। पहले कंजुगेशन भी कंसिडर करो, क्योंकि ये देखो आप इसके साथ एक कंजुगेशन में है ना, ये कंजुगेशन में, जब कंजुगेशन में तो एक कंजुगेशन के लिए क्या लेते थे आप वैल्यू? 30 बताई थी हमने आपको, वैल्यू फिक्स थी ना 30 नैनोमीटर। तो इसे भी आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब आंसर आएगा आपका फाइनली। तो देखो 0, ये 5, 8, 13, 15 और ये 20। 20 2 कैरी, सो 3 × 2 5, 5 5 ये 6, ये 7 और ये 8, 8 और ये आपका 2 है, सो 2।
एक बार एडिशन देख लेना, आई होप सही किया होगा, बट फिर भी एक बार चेक कर लिया करो, ठीक है ना। तो ये आपकी 280 नैनोमीटर, ये क्या आ जाएगा, इसका लैम्डा मैक्स आ जाएगा। तो अब आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे कि हम कैसे निकाल रहे हैं सबका, है ना। एक और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इस टाइप से दिया हुआ। अब आप इससे से डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, क्योंकि इसमें 6 मेंबर थे, इसमें क्या है आपका 5 मेंबर रिंग है। जब इसमें आपके पास 5 मेंबर है तो उसके लिए हमने वैल्यू आपको डिफरेंट बताई थी, इसके कंपेयर में उसकी वैल्यू हमने क्या बताई थी आपको, अल्फा बीटा अनसैचुरेट तो है बट किसमें है, 5 मेंबर में, अनसैचुरेट 5 मेंबर, तो उसके लिए वैल्यू हमने बताई थी आपको 202 नैनोमीटर, है ना, 202 नैनोमीटर, 202, है ना, 202 लिखा हुआ है। अब इसके बाद आपको क्या देखना है इसमें, सेम ये अल्फा, ये पोजिशन बीटा, ये गामा और ये आपकी डेल्टा, ये रहा होगा ना। तो अब आप देखो, अब आप देखेंगे तो क्या क्या आएगा, बीटा पे है क्या अनसेचुरेशन, हाँ यहाँ पे एक बॉन्ड लगा था, सॉरी ये यहाँ पे बॉन्ड लगा हुआ है एक, आप बना लीजिएगा ये बीटा। तो बीटा पे है क्या कोई, बिल्कुल है ये वाला, है ना। तो एक बीटा पर सब्स्टिट्यूएंट, उसके लिए वैल्यू क्या होगी आपके पास, 12, बीटा पे 12 होगी ना। अब उसके बाद गामा पे आओगे तो गामा पे है क्या, आगे बढ़ोगे तो यस गामा पे है, तो गामा सब्स्टिट्यूएंट पे भी आपके पास क्या है, 18। अब गामा के आगे और अब बढ़ोगे, ये क्या है डेल्टा, डेल्टा पे भी है एक, तो डेल्टा सब्स्टिट्यूएंट आपके पास क्या है, उसका वैल्यू क्या होता है, 18। अब उसके बाद आप क्या देखोगे, एक्जो, तो एक्जो कैसे देखेंगे, इस वाली रिंग को बंद करेंगे फिर देखेंगे डबल बॉन्ड, इसके जस्ट बाद है क्या डबल बॉन्ड, हाँ है, देखिए ये वाला है ना जस्ट डबल बॉन्ड, तो आपके लिए एक्जो के लिए वैल्यू क्या होगी, 1 एक्जो के लिए 5, तो 5 नैनोमीटर, सब में नैनोमीटर लगाएंगे। उसके बाद क्या देखते थे, कंजुगेशन है क्या, तो देखो ये आपका यहाँ, ये आपका यहाँ, ये आपका यहाँ, तो कंजुगेशन है, तो 1 कंजुगेशन, उसके लिए वैल्यू क्या ऐड करते हैं, 30, तो 30 ऐड किया, और अब आप इन सबका सम कर दो, ये 5 यहाँ लिख लेता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा एडिशन करने में, 5 8 13 13 और 68 8 16 और ये 18, हाँ 16 और ये 4 हो गया, तो हो गया 20 और ये 5, तो आ गया 25, है ना, 2 कैरी, सो ये 5 5 6 7 8, सो ये हो गया 8, और ये 2 है तो 2 नैनोमीटर, ये क्या आ गया लैम्डा मैक्स। इसे सिर्फ ऐड करना है आपको, तो देख लेना एक बार एडिशन, मैंने ऐसा किया कि ये 16 हो गया और ये 4, 20 और 5, सो 25, अब 2 कैरी, 3 2 5 6 7 8, यहाँ तो 0 है, सो 8 और 2 का 285 नैनोमीटर। इस टाइप से आपके क्वेश्चन सारे लगा सकते हो। अब मैं कुछ और क्वेश्चन देता हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, तो आप और क्लियर होंगे आपको। चलो रफ करता हूँ उन्हें। इसके बाद मुझसे किसी ने कहा था सर ESR का बता दो, तो मैं इसके बाद जो देखो एग्जाम में कॉन्सेप्ट आने की पॉसिबिलिटी होगी, मैं डायरेक्टली वही कॉन्सेप्ट उठा के आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखो, तो कुछ और एग्जाम्पल अपन लोग करते हैं जिससे और क्लियर होगा। अभी एग्जाम्पल जो है वो मिक्स्ड एग्जाम्पल है ना, तो देखो इस टाइप का एग्जाम्पल, ये आपका MEME लगा हुआ है यहाँ पे। तो देखो अब आपको मैंने बताया था कि आपके पास दो टाइप का, या तो आपके पास 6 मेंबर्ड होगा या एसाइक्लिक होगा, तो ये एसाइक्लिक वाला फॉर्म है, लेकिन उसके लिए पैरेंट वैल्यू आपकी क्या होती थी, सेम होती थी। क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड के लिए आपके पास वैल्यू क्या होती थी भाई, 215, है ना, चाहे आपका ए साइक्लिक हो या 6 मेंबर्ड हो, है ना, उन दोनों के लिए सेम होती थी, 215 नैनोमीटर है आपका वैल्यू। अब इसके बाद आपको क्या देखना है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट देखना है, तो आप सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे तो अल्फा पे है क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट, नहीं है, बीटा पे है क्या, हाँ एक ये है और एक ये है, तो आपके पास क्या होगा, बीटा सब्स्टिट्यूएंट, बीटा सब्स्टिट्यूएंट के लिए एक बीटा के लिए वैल्यू क्या होती थी आपके पास, 12, 2 है तो क्या होगा 24, इसको ऐड कर दीजिए, 549, 213 और 239 नैनोमीटर क्या आ गया आपके पास, लैम्डा मैक्स आ गया इसका, है ना। तो ये बहुत इजी होते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, वैल्यूज आपको लर्न है, तो 110% आप इसे निकाल पाओगे इजीली, है ना। अब इसे देखो, अब आपके पास क्या ये अल्फा बीटा सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं है, क्योंकि ये क्या है आपके पास, याद करो साइक्लोब्यूटाडाइन है, या आपके पास सॉरी साइक्लो नहीं ब्यूटाडाइन है ना, साइक्लिक फॉर्म में तो नहीं है ना, ए साइक्लिक सिस्टम है, और ये आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड भी नहीं है, तो आप किस में रखोगे इसे, नॉर्मल वाले के लिए, और उसके लिए हमने वैल्यू आपको बताई थी क्या होता था, 217 बताया थी ना वैल्यू, तो ब्यूटाडाइन के लिए वैल्यू हमने बताई थी ए साइक्लिक सिस्टम में आपको 217 नैनोमीटर। आप अपने नोट्स में देख सकते हो, मैंने वैल्यू मेंशन कराई आपको 217, ठीक है ना, ये हो गया। अब आप इसमें देखोगे कि आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है क्या, तो हाँ है, इसके बाद देखो ये है तो एक सब्स्टिट्यूएंट ही तो लगा, इसके बाद देखो तो ये भी तो एक सब्स्टिट्यूएंट ही है, तो आपके पास दो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हैं, क्या है आपके पास, 2 एल्काइल
रेजिड्यू या सब्स्टिट्यूएंट एक ही बात है, एल्काइल रेजिड्यू है। तो एक के लिए होती थी वैल्यू 5, टू के लिए क्या होगा 10, तो क्या आएगा ये 10। अब आप इसे ऐड करोगे तो क्या जाएगा, 0 से 0 112, सॉरी 7 रहेगा ना यहाँ पे, 7 और 112 और ये 2, तो क्या आ गया 227 नैनोमीटर। ये इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा लैम्डा मैक्स का, क्योंकि आप लैम्डा मैक्स कर रहे हो ना सबके लिए कैलकुलेट, तो आपके पास लैम्डा मैक्स का क्या हो जाएगा 227। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ये आपके पास क्या लग रहा है आपको, ये थोड़ा सा उन सबसे डिफरेंट है। अभी तक आप देख रहे थे कि उसी जगह में आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड दिया जाता था, इसमें आपको थोड़ा थिंक करना पड़ेगा, है तो आपके पास अल्फा बीटा ही अनसैचुरेटेड, अल्फा ये बीटा यहाँ गामा और ये आपका यहाँ पे डेल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अगर आप इतने को देखोगे तो क्या होगी आपके पास, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड तो है, तो वैल्यू आप उसकी रखोगे। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे रफ कर देता हूँ यहाँ पे लिखने के लिए, तो आप वैल्यू इसकी रखोगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड के लिए वैल्यू क्या होती थी 215 होती थी, 215 नैनोमीटर, ठीक है ना। अब आपको देखना है सब्स्टिट्यूएंट, अल्फा पे क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या, हाँ है ना, ये वाला देखो, तो अल्फा सब्स्टिट्यूएंट उसके लिए वैल्यू क्या होती थी भाई 10, बताया था ना मैंने 10 नैनोमीटर, बीटा के लिए 12, गामा और डेल्टा के लिए 18, तो अल्फा के लिए 10 आ गया। अब बीटा सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे आप, तो अल्फा बीटा के बाद कोई है क्या, नहीं है, आगे जाओ गामा पे है क्या, नहीं है, डेल्टा पे जाओ है क्या, हाँ है, ये रहा ना डेल्टा, तो बीटा पे नहीं है, आप किस पे, डायरेक्टली डेल्टा पे है, तो डेल्टा सब्स्टिट्यूएंट के लिए वैल्यू क्या होती है 18 होती है ना, ये होती थी ना 18। अब आप क्या देखते थे, एक्जो बॉन्ड देखते थे, तो देखो पहले इस वाले रिंग के लिए देखेंगे क्या कोई है क्या डबल बॉन्ड, नहीं है ना, क्योंकि इसके जस्ट बाद अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता है या यहाँ डबल बॉन्ड होता तो है सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन वो तो है नहीं एक्जो, तो इस वाली रिंग के लिए देखेंगे इसमें है क्या, इसके लिए जस्ट बाद है ना ये डबल बॉन्ड, तो ये इसके लिए एक एक्जो बॉन्ड है, तो आप लिखेंगे 1 एक्जो डबल बॉन्ड, उसके लिए वैल्यू क्या होती थी 5, ये दोनों में सेम होती है, या आपके नॉर्मल वाले हो या आपके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हो, तो इसके लिए वैल्यू 5 हो गई। अब आपको देखना है क्या आपके पास कंजुगेशन है क्या, इसके बाद देखो यहाँ पे ये यहाँ कंजुगेशन में आ सकता है, ये यहाँ आ सकता है, ये यहाँ आ सकता है, तो ये कंजुगेशन है ना, तो 1 एक्सटेंडेड कंजुगेशन डबल बॉन्ड, 1 कंजुगेशन, तो उसके लिए वैल्यू क्या लेते थे आप 30, तो 30 नैनोमीटर। अगर अब आपने इसे ऐड कर दिया तो आपका आंसर गलत आएगा, अभी क्यों आएगा गलत, उसका रीजन देखो, आपने सब कुछ लिया लेकिन फिर भी आपकी गलती हो सकती है यहाँ पे, क्यों हो सकती है, क्योंकि हमने आपको एक होमो एनुलर वाला बताया था ना कि अगर होमो एनुलर उसके साथ जुड़ा हुआ है तो उसके लिए वैल्यू अलग होती है। आप अपने नोट्स में देखो, मैंने ध्यान से मेंशन कराया था इस वाले क्वेश्चन को, और ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का एग्जाम में आ सकता है, तो आपको इसके लिए होमो एनुलर के लिए जब भी अल्फाबीट अनसैचुरेटेड में दिया जाए एडिशनल हो तो उसके लिए वैल्यू हमें देनी पड़ती है, और वैल्यू होती है इसके लिए 39, हमने लिखा है आपको होमो एनुलर डाइन, उसके लिए वैल्यू होती है 39। अब आपको ये जब ऐड करोगे उसके बाद आपका आंसर सही आएगा, अदरवाइज गलत आ जाएगा आपका। तो अब आप ऐड करो सबको, 9 और 5 क्या हो गया 14, 14 और 8 क्या हो गया 22, 22 और 5 27, तो 7 2 कैरी आ गया, 2 कैरी और 3 टू 5 5 8 8 9 10 11 11 1 कैरी, 1 कैरी आ गया आपका, तो 3 3 1 7 नैनोमीटर। एडिशन को एक बार देख लेना, आई होप सही आया होगा, तो ये क्या आ गया 317 लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ गई 317 नैनोमीटर, ठीक है ना। तो आपको ये वाली चीज में याद रखनी थी कि होमो एनुलर की वैल्यू आपको 39 ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैंने ऑलमोस्ट हर टाइप के एग्जाम्पल कराने की कोशिश की है, इसके बाद कुछ जो रह गए हैं वो मैं अपने टेलीग्राम वाले ग्रुप पे भेज दूंगा, और मैं उसमें लिंक भी देता हूँ, अगर जो ज्वाइन नहीं किया हो तो वो उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं, है ना। इसके बाद जो मैं दूंगा वो ESR का जो मेन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जहां से आता है मैं उसे आपको बताऊंगा, ओके। आई होप ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ओके। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।